जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों आपके एशियन गेम्स मेंस T20I का जो अगला मैच होगा उस मैच के बारे में, जो कि आपके खेला जाएगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में। तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे जिनको हमें अपनी प्राइम टीम में रखना है दोस्तों, ताकि हम एक तरफा विन कर पाए, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स आप मिस कर जाओगे, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग से एक बार जल्दी से दिखा देते दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन करे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक से एक बार दिखाते दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है, जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन है दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते हैं, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर बात करें इस मैच की तो एशियन गेम्स का ये आज के दिन का पहला मैच होगा, क्योंकि श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में होगा दोस्तों। दोनों ही टीमों के जो ए टीम है वो आई दोस्तों, श्रीलंका की टीम के जो बैकअप प्लेयर्स है उनसे ये एशियन गेम्स का टीम हुआ है दोस्तों। अफगानिस्तान की भी सेम ही है, बाकी टीम वर्ल्ड कप में बिजी हो जाएगी दोस्तों, तो ए टीम को भेजा हुआ है एशियन गेम्स के लिए। तो पहले तो मैच पर चलते, अगर टीम की बात करें ना, ये देखिए
तो दोनों ही टीमों में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। श्रीलंका की टीम में डोमेस्टिक के और लंका प्रीमियर लीग के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मौजूद हैं। अफगानिस्तान के भी बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मौजूद है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर्स मौजूद है जिनको आपको टीम में ज़रूर रखना है। उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। तो एक बार इनके जो प्लेयर्स हैं ना, उनके जो रिसेंट स्टैट्स है, रिसेंट फॉर्म है, वो आपको एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। तो आप, मुझे तो पता है दोस्तों, पर आपको एक बार दिखा देते तो आपको ज़रा इजी पड़ जाएगा दोस्तों। यहाँ से अगर बात करें पहले, हाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों श्रीलंका की टीम के। तो श्रीलंका की टीम से यहाँ से आपको एक ही विकेट कीपर है जो कि एल उदारा होंगे, ये आपको खेलते हुए दिखेंगे। बहुत ही एक अच्छी टीम है दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, पर मैं इनको इतना ज़्यादा हाईली रेट करता नहीं है दोस्तों। रैंडमली एक आधा मैच में अच्छा कर जाते हैं, उसके लिए मुझे हर एक मैच में इनको लेना का रिस्क मैं लूँगा नहीं। इनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन मेरे पास मौजूद है मोहम्मद शहजाद का, इनको मैं डायरेक्टली अपनी टीम में रख लूँगा। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, पर इनको मैं बहुत ही हाई रेट करता हूँ दोस्तों। एक रिलायबल प्लेयर है, आपको हर एक मैच में 20-30 रन बना के हुए दिख जाएंगे, तो इम्पोर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अगर श्रीलंका की टीम की बात करें, यहाँ से कौन खेलेगी? एन फर्नांडो खेलेंगे, एल कॉर्सपोल खेलेंगे और भंडारा खेलेंगे, एस डेनियल है। ये जो चार प्लेयर्स है दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग के हर एक टीम के ना ये स्टार्स है दोस्तों। कौन? एन फर्नांडो, एल कॉर्सपोल और असीम भंडारा और एस डेनियल दोस्तों। ये चार प्लेयर्स, ये टॉप के जो चार प्लेयर्स हैं लंका प्रीमियर लीग के जान है दोस्तों। बहुत ही अंडर रेटेड प्लेयर्स है ये। स्पेशल देखिए एस डेनियल कितने परसेंट सिलेक्शन है, 7%। ये आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगी और खेलेंगे ज़रूर ये। और आपको अगर ये 10 ओवर टिक गए ना तो दिख जाएंगे, एक 60-70 रन आराम से बना जाएंगे। इंडिविजुअल स्कोर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर ये 10 ओवर ग्राउंड पर टिक गए तो अपने इंडिविजुअल स्कोर की बात कर 60-70 रन तो आराम से बना जाएंगे। तो पहले बॉल से हिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो 20-30 रन तो हर एक मैच में बना के चला जाएंगे दोस्तों। और 20-30 रन बनाने का मतलब ये है कि आपके इजीली आपकी 40 से 50 पॉइंट दोस्तों, और एक आधा कैचिंग कैच पकड़ लिया ना तो आपके लिए एक बहुत ही तगड़े ऑप्शन बन जाएगा दोस्तों आपके लिए। ऐसे एल कोर्सपोल, यहाँ से मैं एन फर्नांडो को लूँगा दोस्तों। ये तीन प्लेयर्स मेरे टीम में ज़रूर आएंगे, आप इन तीनों प्लेयर्स से एक बार प्रीव्यू देख लीजिए दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से, यहाँ से कौन इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर सेक्शन से, यहाँ से अगर बात करें ना, आपके ये आचार्य खेलते हुए दिखेंगे, समरकून आपको खेलते हुए दिखेंगे। सिलेक्शन परसेंटेज देखिए, 4% सिलेक्शन है। हालांकि मैं इनको टीम में ज़रूर रखूंगा, ने एस आचार्य को इस टीम में रखूंगा नहीं दोस्तों। अगर हम बॉलिंग की बात करें, नवान तुषारा की बात करें, श्रीलंका के नेशनल साइड में भी ये खेल चुके हैं, बहुत ही रिलायबल प्लेयर है दोस्तों। वी विश्वास दोस्तों, हर एक मैच में 4 ओवर जरूर करेंगे, इस मैच में ये 4 ओवर पक्का करेंगे दोस्तों। किसी की 4 ओवर फिक्स हो या ना हो, इनकी 4 ओवर फिक्स है, और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस इनसे उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। तो ये 6 प्लेयर्स श्रीलंका के टीम से इम्पॉर्टेंट है, आप इन 6 प्लेयर्स का एक बार प्रीव्यू देख लीजिए दोस्तों। ये 6 प्लेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे दोस्तों, किस टीम से? श्रीलंका की टीम से दोस्तों। तो अगर हम बात करें अभी किस टीम से, अफगानिस्तान की टीम की, उसमें कौन इम्पोर्टेंट है? एक सेकेंड, हाँ अफगानिस्तान के ऊपर फिल्टर लगा दो। यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन से एक ही प्लेयर्स मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है मोहम्मद शहजाद दोस्तों। डायरेक्टली आपको टीम में रख लेना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। बैटिंग से नून अली जदरान दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे, एस कमल भी आपको खेलते हुए दिखेंगे, एस अटल भी आपको खेलते हुए दिखेंगे। जो लोग अफगानिस्तान के जो लोकल प्रीमियर लीग होते हैं, अगर उनके बारे में पता है वो उन सभी को पता होगा एस कमल और यहाँ से एस अटल की परफॉर्मेंस क्या रहती है दोस्तों उस वाले मैचेस में। तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं एस कमल और स्पेशली एस अटल दोस्तों, अगर इनको प्लेइंग 11 में जगह मिलती है तो। बैटिंग से सॉरी ऑलराउंडर से गुलाबुद्दीन नायब और करीम जन्नत, ये दो तो मेरे टीम में ज़रूर होंगे दोस्तों।
अगर यहाँ से अशरफ और अकबरी खेलते, मैं इन दोनों को अपने टीम में ज़रूर रखूँगा। मैं किसी भी प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, पर इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा नहीं अगर ये लाइनअप्स में आते हैं, क्योंकि अभी के लिए इनके लाइनअप्स में आने का कुछ भी चांसेस मुझे लग नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं जो जिनको मौका मिल जाएगा दोस्तों। अगर ये खेलते हैं यस अशरफ और अकबरी, आपके लिए ग्रैंड लीग में इनसे बढ़िया ये तीन प्लेयर्स, एक दो और यहाँ से एस अटल दोस्तों, ये तीन प्लेयर्स से ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन ग्रैंड लीग में सी और वीसी के मुझे अभी तो कोई भी लग नहीं है दोस्तों। बॉलिंग की बात करें, फहद मलिक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, बहुत ही अच्छे रिलायबल बॉलर है। क्वाई सेमर दोस्तों वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीग्स है उसमें खेलते हैं दोस्तों। जाहिर खान की बात करें, आप उनको टीम में रख सकते हो। एस शिरजाद दोस्त, ये जो प्लेयर है एस शायद शिरजाद और मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल रमाई दोस्तों, ये जो प्लेयर है इनका खेलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इनको मौका मिलेगा नहीं। जब ये जिस मैच में भी इनको मौका मिलेगा ना, आपको डायरेक्टली ग्रैंड लीग में इनको कैप्टन बना देना है दोस्तों। बाकी मुझे लगता नहीं कि इनको मौका मिलेगा दोस्तों, टीम इनको ज़्यादा मौका देते नहीं। अगर ये बन गई मेरे टीम, आप पर इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। अगर इसमें सी और वीसी की हम बात करें, मेरे कैप्टन गुलाबुद्दीन नायब होंगे, वाइस कैप्टन करीम जन्नत होंगे। तो ये बन जाएगी मेरी टीम, आप पर इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए। इसमें अगर मुझे कुछ चेंज करना पड़े आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।